और गाइस मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ, मेरी दाढ़ी देखिए आप, इसमें धूल कितनी जमी हुई है। अरे भाई साहब पैर मड़क गया। हाँ जी गाइस, तो इनके पास दिखाई दे रही है मुझे ठीक ठाक वैरायटी है। सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइस फिर से हो गई एक नई सुबह की शुरुआत, बहुत बढ़िया और बहुत बिंदास तरीके से। और गाइस आज मैं निकल रहा हूँ गदरपुर, वैसे गॉगल निकालना चाहिए नहीं, गाइस गर्म बहुत हो रहा है और आज धूप निकली गंदी वाली। गाइस कल का जो मौसम आपने देखा कि पूरा दिन कल बारिश थी, शाम के टाइम पर थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ तभी मैं मार्केट जा पाया और सब कुछ कर पाया मैं, अगर बारिश नहीं रुकती तो फिर तो दिक्कत आती। गाइस तो गाइस आज बिना पूजा पाठ करे जो है ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस चलते हैं, नहा धो के हो गया हूँ तैयार, पूजा पाठ करते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर निकलते हैं आज गदरपुर। चलिए चलिए, अभी हम क्या करेंगे, पूजा करेंगे। कहाँ पे, कैसे करेंगे, अच्छा करेंगे। चलो फिर आ जाओ। क्या हुआ चाचू, गंदी, ये लो इसको पहन लो, अब ठीक है। चलो फिर देखो मम्मा को बाय बोल रहा है, वो मम्मा वो आगे पहुंच गए। चलो चाचू, मम्मा गई ना। हाँ नहीं कैसे, गुड मॉर्निंग मेरे कुत्ते का बच्चा, मामा कर रही थी कहाँ पे, हैं चलो चले पूजा करने, ऑफिस चलो चलो। वैसे गई मम्मी जी गई है पूजा पाठ करके, तो हम भी कर लेते हैं, ये हनी को दुख रहा। आज तू ही कर ले पूजा, है कहाँ के खड़ी हो गई है, क्यों तू ही कर ले पूजा, जा तू कर ले आज, ओम जय जगदीश हरे, हैं बात बिगड़ी बहुत बड़ी। ओ मेरे कुत्ते का बच्चा, चलो चलो हटो, पूजा करने दे मेरे को। अरे सो चले गाइस, हो गई पूजा पाठ समाप्त, अब चलते नीचे। हनी चाचू चले नीचे, अब क्या करेंगे, नाश्ता करेंगे ना। हाँ हनी भी नाश्ता करेगी ना, और मेरे कुत्ते का बच्चा कितना बड़ा भक्त है भगवान का, ये है ना चाचू, पाकर दो उसको। आहा हनी पाकर दो, पाकर दो ना, कर दो ना, पो करो ना। अरे कर दो, पाकर दो, पाकर दो, पाकर दो, है ना। चलो फिर चलो, हाँ पाकर दिया ना। हनी चाचू कहाँ गया, चाचू चाचू कहाँ गया होगा, पता नहीं कहाँ चले गया चाचू। हाँ। आवाज तो आ रही है इसके, कहाँ गया होगा ये, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, कहाँ गया होगा चाचू, समझ नहीं आ रहा चाचू कहाँ चले गया होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं नाश्ता करता हूँ। चाचू यहाँ पे, यहाँ पे कैसे आया, पीटी बैठ के आया। मॉर्निंग, बाय बाय, चलते हैं गदरपुर, हो गया प्रणाम, गदर मचाने, गदर मचाने, ओके चाचू बाय बाय, शाम को मिलते ठीक है, जा रहा हूँ। हाँ क्या खाओगे, कॉफी और चिप्स और केक, पक्का सब खाओगे, बाय बाय, दूर से ऐसे। टाटा, सो लेट्स गो टू गदरपुर, गदर मचाने जैसा कि मम्मी जी ने अभी कहा। और गाइस आज का ना ये मौसम का समझ नहीं आ रहा मुझे, संडे का दिन मिलता है घूमने के लिए इधर उधर जाने के लिए, उसी दिन हो जाती है बारिश, और आज मंडे का दिन है और आज देखो आज मस्त वाली धूप। वैसे ये भी ठीक ही है, संडे को सब लोग घर पे रहते हैं, सबकी छुट्टी होती है, तो भगवान सोचे चलो आज बारिश कर लेता हूँ और मंडे से कुछ ड्यूटी में जाना होगा तो मंडे से धूप ले आता हूँ, तो मेरे को लग रहा है ऐसे कुछ हो रहा है अभी। और गाइस ये ले लिए मैंने शॉर्टकट, तो सीधे मिलेगा मेरा पंचायत घर में। सो गाइस पहुँच गया हूँ पंचायत घर चौराहे पर, सामने के ट्रक में क्या लिखा हुआ है, सिस्टम है भाई सिस्टम। ओहो गाइस फिर से देखिए डॉग कैचिंग वैन में कितने सारे कुत्ते हैं बेचारे, शिव पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं इनको, बेचारों को कितनी तकलीफ हो रही है यार, ये समझ क्यों नहीं रहे गाड़ी वाले, नगर निगम वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं इनको अब।
सो गाइस डलवाते हैं पहले पेट्रोल। ये तो मैं भूल ही गया था पेट्रोल डलवाना। फिर सो गाइस डलवा लिया पेट्रोल। सामने देखिए एक और पेड़ जो है काटा जा रहा है गाइस। और पता है पेड़ काट तो रहे हैं लेकिन नए पेड़ लगाएंगे नहीं है। बताइए भाई, मेरे सामने पेड़ गिरा। मेरे को होश ही नहीं है सच में गाइस। मुझे नहीं पता कि पेड़ अभी कट जाएगा एकदम से। भाई को दिल में से धक 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 हो रही ना, मेरे सामने पेड़ कटा एकदम भड़म मुझे नीचे भी गिर गया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया भाई। वॉट सो चले गाइस, ले ली है एंट्री रुद्रपुर में। और गाइस रोड में आने के बाद ना अपने पुराने वाले दिन याद आ गए मुझे, बुक्स मार्केटिंग वाले। क्योंकि गाइस इस रोड में इतने सारे स्कूल्स हैं ना जहाँ मैं किताबें दिया करता था, बहुत ज्यादा स्कूल्स हैं। अभी पीछे दो स्कूल निकले हैं, अभी आगे गाइस एक और स्कूल आएगा एमिरिटी के नाम से। और गाइस आज एक पंगा और हो गया कि आज ना मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया। अब मेरे को ना डायरेक्शन पता करनी है कि जो मेरी कैंटीन है कहाँ पर है, तो मुझे मालूम ही नहीं चल रही क्योंकि नेट ही नहीं चल रहा मेरा। तो कोई दुकान देखता हूँ जहाँ पर रिचार्ज वगैरह होता हो। तो पहले गाइस फोन पर रिचार्ज वगैरह करवाता हूँ, उसके बाद यार मुझे कैंटीन ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं, आज से पहले कभी गया भी नहीं हूँ। और गाइस पता है ये जो रोड है ना दिखने में सीधी है लेकिन इसमें ना हल्के हल्के से गड्ढे हैं, तो ऐसा ऐसा धचक 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 हो रही है पूरे रास्ते भर से। ये देखो सो गाइस, ये तो मुझे पता है कि जगह का नाम है जाफरपुर। गदरपुर से पहले जगह पड़ती है जाफरपुर। हरिद्वार यहाँ से है 200 किलोमीटर और काशीपुर है 41 किलोमीटर। अब गाइस यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे तो जाएंगे गदरपुर, स्ट्रेट जाएंगे तो पहुँच जाएंगे काशीपुर। चलिए गाइस यहाँ से लेफ्ट मुड़ते हैं। पूछो चीनी मिल का है, मतलब चीनी मिल का है पता है आपको? चीनी मिल रोड पे ही है, अंदर को जाकर के मतलब दिख जाएगा ना यहाँ से लिखा हुआ। सोने बताया कि इसी रोड में है चीनी मिल। और गाइस मजे की बात तो ये पूरे रास्ते भर में ना मुझे कोई दुकान नहीं मिली जहाँ से फोन का रिचार्ज कर सको। अब ऐसा करते हैं किसी को पकड़ते हैं, उससे लेते हैं हॉटस्पॉट, फिर उसके बाद जो है अपने फोन का रिचार्ज करते हैं। सो गाइस मुझे पीछे एक बोर्ड दिखाया, इसमें लिखा है 15वीं वाहनी NDRF। हाँ जी गाइस, तो यहीं पर मेरी कैंटीन है NDRF में। हाँ जी गाइस, तो ये लिखा ना पर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। हाँ तो यहाँ जाकर के है कैंटीन अपनी। सो गाइस ये अपना NDRF, चलते हैं इसके अंदर। सो गाइस पीछे ऑफिस था वो बता रहे हैं कैंटीन आगे है, तो यहाँ पर है कैंटीन गाइस। मैं आज से पहले कभी यहाँ पर आया भी नहीं हूँ, तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। सो गाइस यहाँ से फ्री होकर बातचीत करेंगे अब आपसे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और टेक केयर। सो चलिए गाइस फाइनली हो गया ऐसे काम पूरा, लेकिन भाई साहब मेरी जो स्कूटी है ना धूप में जल रही है, अब इसमें मेरे जो है भेल सिक जाएंगे। अरे बाप रे। सो गाइस मैंने इसमें ऐसा कपड़ा लगा दिया, इस कपड़े में बैठ के चलते चलिए जी। सो चलिए गाइस अब निकलते हैं फाइनली वापस हल्द्वानी की तरफ। सो लेट्स गो टू हल्द्वानी। सो गाइस पहले मैं आगे निकल गया था, फिर मैं वापस आया सर से पूछने के लिए कि ये रास्ता सीधे कहाँ निकल रहा है। तो इन्होंने बताया कि यहाँ से एक शॉर्टकट है, सीधे आपको हल्द्वानी पहुँचाएगा। सो चलिए गाइस अब यहीं से सीधे निकलते हैं हल्द्वानी के लिए। सो गाइस NDRF का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो भैया यहाँ पर बना हुआ है जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले होते हैं ना, वो है ये। लेकिन भाई साहब ये रोड बड़ी ख़राब है यहाँ पर की। सो गाइस उन्होंने बताया था कि जो फ्लाईओवर है इसके नीचे से निकल जाना और फिर सीधे आप जो है दिनेशपुर वाली रोड में पहुँच जाएंगे। तो गाइस ये फ्लाईओवर के बगल से रोड निकल रही है, तो चले गए इसके नीचे से निकलते हैं। और भाई साहब खतरनाक गुफा सी लग रही है। तो और गाइस सीधे ये रोड निकलेगी अब दिनेशपुर की तरफ। मैं सच बता रहा हूँ गाइस, अगर मुझे पता होता ना कि दिनेशपुर से भी रास्ता निकलता है यहाँ के लिए, तो मैं रुद्रपुर जाता ही नहीं, मैं यहीं से बीच से कट जाता। अब देखो गाइस मैं पहले वहाँ से रुद्रपुर गया, रुद्रपुर से गदरपुर वाले रास्ते में गया, फिर घूम करके वहाँ से आया हूँ मैं। अब मुझे ये बताया यहाँ से इतना शॉर्टकट रास्ता है। तो चले गाइस जी मैं पहुँच गया अपने दिनेशपुर में। और गाइस देखिए आप रास्ते की क्या बैंड बजी पड़ी है, और ऊपर से ट्रक वाले ने तो और धूल मचा रखी है यहाँ पे। धूम मचा ले सुना था मैंने, धूल मचा ले पहली बार देख रहा हूँ मैं। सो चले गाइस फाइनली जो गंदी वाली रोड थी ना वो खत्म हो चुकी है, अब मैं अच्छी वाली रोड में आ गया हूँ। सो चले गाइस फाइनली दिनेशपुर जो मेरा मोड़ था वो हुआ ख़त्म। अब मैं गाइस पहुँच गया हूँ मेन हल्द्वानी वाली रोड पे, मतलब हाईवे आ गया। और गाइस हाईवे की भी हालत बहुत बेकार हो रही है आजकल तो। 60 रुपये किलो और ये 80 रुपये। पैक भी करा लिए, कटवाड़ भी लिया। अभी गाइस पूरे रास्ते में धूल मिट्टी खाई,
अब यहाँ पर अमरूद खा लिया। तो गाइस मैं परसों भी बोल रहा था आपको ये बात, और अभी जाते वक्त भी बोल रहा था कि विकास तो हो रहा है लेकिन विनाश भी साथ साथ में हो रहा है। सो गाइस आगे पंचायत घर चौराहा, मुड़ते यहाँ से लेफ्ट। सो गाइस घर जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना रास्ते से एक दो पेड़ ले लूँ मैं। यहाँ पर रास्ते में एक नर्सरी पड़ती है और मैंने कहा इस पीछे पेड़ लगाया था ना और सारे ख़राब हो गए अभी। सो गाइस ये आई ग्रीन लाइफ नर्सरी, तो अच्छा ने इसमें लगा रखा टैग 100 रुपये का, 70 रुपये, 140 रुपये, 60 रुपये। चलिए जी भ्रमण हो गया यहाँ से, अब चलते हैं। तो गाइस रेट तो ठीक ही है इनके, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। लेकिन आगे एक और नर्सरी है, वहाँ भी पता कर लेते हैं। और गाइस मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ, मेरी दाढ़ी देखिए आप, इसमें धूल कितनी जमी हुई है। हाँ जी गाइस एक नर्सरी ये भी है, इसमें वेराइटी मुझे बहुत सारी दिख रही है, अमृत नर्सरी। अरे भाई साहब पैर मड़क गया। भाई सब लगाना पड़ रहा अब तो। हाँ जी गाइस तो इनके पास दिखाई दे रही मुझे ठीक ठाक वैरायटी, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे। तो जब तक मालिक साहब आते तब तक मैं एक भ्रमण कर लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या क्या है इनके पास में। सो चले गाइस दो चार पेड़ ले लिए मैंने। सो चले गाइस अब निकलते सीधे घर को। सो चले गाइस पहुँच गया घर की कॉलोनी में, और गाइस फाइनली पहुँच गया घर, लगाए स्कूटी को अंदर। देखिए हमारे चाचू महाराज सोए हैं, उठे हैं, क्या कर रहे हैं। आ जाओ पक्का, ओके। आइज क्लोज। टॉपी ये दीदी को दे दो, थैंक यू, वेलकम। अम्मी जी आइज क्लोज। थैंक यू। सो चलिए गाइज हो गई ये शाम। सो गाइज घर पहुंचने के बाद थोड़ी देर आराम किया, खाना वाना खाने के बाद मतलब। उसके बाद गाइज लग गया था मैं पेड़ों को सेट करने में। आपको पता ना मैं आज 4 पेड़ लेकर के आया था, तो मैंने सही करके उसको गमले में सेट कर दिया। और दिखाता हूँ मैंने और क्या है सेटिंग करी भी। और गाइज इसी के साथ साथ जो मेरे पेड़ थे ना जो नीचे लगे हुए थे एरिका पाम, इनको मैंने ऊपर लगा दिया। बाकी यहाँ पर जो जाते वक्त आते वक्त थोड़ा सा रास्ते में दिक्कत आ रही थी, ये थोड़ा मैंने ठीक कर दिया अभी। सो गाइज अभी हनी का मन हो रहा है घूमने जाने का, तो चलते गाइज थोड़ा हनी को घुमा के ले आते हैं। चलो हनी चलो 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 शाबाश शाबाश शाबाश। उसके बाद आजकल ना मम्मी जी और मैं डेली पी रहे हैं लेमन टी, तो घूम करके आते हैं बढ़िया वाली लेमन टी बनाते हैं। सो गाइस सनी को घुमा दिया है, अब चलते हैं घर को। और एक चीज़ और ना, आजकल ना अंधेरा बड़ी जल्दी हो जा रहा है। देखिए अभी आप 6:30 हो रहा है और मौसम देखिए अंधेरा हो गया एकदम। फूफा जी ठीक है, फूफा ठीक है, बाय बाय।
एलिमेंट पढ़ने जाएगा ना कल से जाएगा स्कूल कब जाएगा कल से जाएगा ना कल से स्कूल जाएगा ना हाँ कल से स्कूल जाएगा चाचू स्कूल नहीं जाऊंगा भाई उसमें बाबा कल जाएगा बाबा अरे बाबा जाएगा ना बेटू अभी इसके लिए बनियान लेकर के आए नलाया चढ़ाया पनाह से फेंक दी गुड नाइट गुड नाइट बोलो गुड नाइट बोलो गुड नाइट हेलो।